आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला बीते दिनों यानी कि 2 सितंबर को इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया। सिद्धार्थ के जाने का गम हर किसी को सता रहा है। आज दोपहर को सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया गया। किसी को भी यकीन नहीं है कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है। इसी बीच अब सिद्धार्थ के जिम ट्रेनर ने खुलासा किया कि सिद्धार्थ पिछले एक हफ्ते से जिम नहीं गए थे। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला के जिम ट्रेनर ने कहा कि सिद्धार्थ कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे और यही वजह थी कि वो जिम भी नहीं आ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ वर्कआउट तो 2 घंटे तक ही करते थे, लेकिन वो बीच में रेस्ट करते थे, जिसके चलते 3 से 4 घंटे हो जाते थे। वो 25 अगस्त को आखिरी बार जिम आए थे। उस दिन मैं नहीं था, लेकिन मेरा असिस्टेंट था। उस दिन सिद्धार्थ ने बेहद कम ही वर्कआउट किया। उन्होंने कहा, मेरा मन नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सिद्धार्थ के जिम ट्रेनर सोनू चौरसिया ने यह भी बताया कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। वो हमेशा से खुद की फिटनेस का ख्याल रखते थे। पिछले 1.5 साल से मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा था। सिद्धार्थ कभी भी किसी मानसिक तनाव या डिप्रेशन में नहीं रहे, हमेशा खुश रहने और लोगों को खुश रखने वाले इंसान थे। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।